हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का सेशन जो है बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशनल और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2020 में जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं 12 अप्रैल के, खास करके 12 अप्रैल के जो फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट पे जो जिस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा गया था, उस पैटर्न का जो है आज हम लोग मेमोरी बेस्ड पेपर को सॉल्व करेंगे। टोटल 50 एमसीक्यू होंगे, रीजनिंग के, जीके के, इंग्लिश के, ठीक है। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस टेस्ट को काफ़ी सीरियसली ले, ओके। आपको हर एक क्वेश्चन के लिए आपको एक सेपरेट टाइम दिया जाएगा, क्वेश्चन के लेवल के हिसाब से आपको टाइम मिलेगा। जिस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग सकता है उस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम दिया जाएगा, जिस क्वेश्चन में कम टाइम लगेगा उस क्वेश्चन में आपको कम टाइम दिया जाएगा, ठीक है। स्टॉप वॉच चलते रहेंगे। और जो है आपको आपके उसी क्वेश्चन को वैलिड माना जाएगा जो क्वेश्चन को आप विद इन टाइम सॉल्व करेंगे। जैसे कि अगर 10 सेकेंड का टाइम दिया गया है और अगर आप 10 सेकेंड के अंदर में उस क्वेश्चन का जवाब देते हैं तो ही उस क्वेश्चन को वैलिड माना जाएगा, समझ गए। और लास्ट में आपको कट ऑफ भी बताएंगे कि आज के इस टेस्ट का कितना जाएगा कट ऑफ, और आपको अपने उस कट ऑफ के हिसाब से आपको अपना देखना है कि आपको कितना स्कोर आया है। और लास्ट में जो है कमेंट करके आप जाएंगे कि आपका कितना स्कोर आया था इस टेस्ट में, ताकि पता चले कि जो स्टूडेंट्स इस टेस्ट को दिए हैं उनका परफॉर्मेंस क्या है। तो आप लोग रेडी हैं, स्टार्ट करें हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का इम्पॉर्टेंट सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आने जा रहा है आपके स्क्रीन पर, और ये रहा आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का। क्वेश्चन मेरे हिसाब से आप लोगों को साफ साफ दिख रहा होगा, और इस क्वेश्चन के लिए आपको मिलेगा 15 सेकेंड्स का टाइम। 15 सेकेंड्स में आपको इसका आंसर का जवाब देना है। चलिए, टाइम हो गया है यहाँ पर ख़त्म। 15 सेकेंड्स के अंदर में जितने लोग आंसर दिए होंगे उनके उस क्वेश्चन का जो है वो अगर सही होगा तो उस क्वेश्चन में उनको 2 मार्क्स मिलेगा, गलत होगा तो 0.50 मार्क्स जो है उनका कट हो जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है टेस्ट टंग है, यहाँ पर वॉक है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि टेस्ट जो है, जो स्वाद होता है वो आपको किससे मिलता है, टंग से मिलता है, है ना, जीभ जो होता है उससे आपको मिलता है। तो जो आप वॉक करते, जो आप चलते हैं, तो चलते आप किससे हैं, ऑब्वियस सी बात है कि चलते आप अपने पैरों से हैं, तो लेग यहां पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी जो है ये है राइट आंसर, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर आ चुका है, इसके लिए मिलेगा आपको 15 सेकेंड्स का टाइम। चलिए, यहां भी आपका समय हो गया है समाप्त। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मज़ा भी आया होगा। जितने लोग आंसर दे दिए होंगे 15 सेकेंड्स में उनका तो स्पीड बहुत अच्छा होगा। देखिए, हमें इस क्वेश्चन में करना क्या था कि यहाँ पर है आपका 16, यहाँ है 56, यहाँ है 32, यहाँ क्या आएगा। हम एक चीज़ ध्यान दे रहे हैं कि 16 से कितना ये आगे है, तो 16 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 × 3 कितना होता है, ये होता है 48, लेकिन हमको कितना चाहिए, 56, यहाँ 56 है। तो ये जो 16 है इसका हाफ करेंगे, यानी कि हाफ होगा 8, और इसमें अगर हम ऐड कर दिए तो हमारा आंसर आ जाएगा 56। तो उसी तरीके से यहाँ 32 दिया हुआ है, तो 32 × 3 कितना होता है, ये होता है 96, और 96 में अब हम कितना ऐड करेंगे, तो ये 32 का हाफ, यानी कि इसका हाफ होता है 16, यानी कि ये हम ऐड करेंगे तो 112 जो है हमारा आंसर आ जाएगा, ये है करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। आप लोग कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है, इसको आपको नोट करते चलना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, और इसके लिए भी मिलेगा आपको 15 सेकेंड।
चलिए 15 सेकंड हो गया है और ये जस्टिफाई भी करता है 15 सेकंड्स के लिए, क्योंकि बहुत सिंपल है, सिंपल अप्रोच था। आई के बाद क्या आता है, जे आता है, तो एस के बाद क्या आएगा, टी आएगा। के बाद क्या आता है, एल आता है, तो यू के बाद क्या आएगा, भी आएगा। फिर के बाद एल आता है तो यू के बाद क्या आएगा, भी आएगा। फिर एल के बाद क्या आता है, एम, तो यू के बाद, सॉरी, भी के बाद क्या आएगा, डब्लू आएगा। तो टी भी भी डब्लू जो है ये होगा आपका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 और इसके लिए भी मिलेगा आपको 15 सेकंड। क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि पूछ क्या रहा है, अप्रोच क्या हो रहा है आपका, ये सब ध्यान देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत सिंपल है, ऑड वन आउट का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ है हेड, यहाँ है कैप, तो आपका जो हेड होता है, ठीक है, हेड के ऊपर आप क्या लगाते हैं, कैप लगाते हैं। जो प्रेजेंट होता है, कोई भी गिफ्ट होता है, उपहार होता है, उसके ऊपर क्या लगता है, रैपर लगता है। ठीक है, इंक, इंक पॉट होता है। अब यहाँ देखिए पेपर है और यहाँ पेंसिल है, तो पेपर के ऊपर जो है पेंसिल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा अलग इन तीनों से। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, इसके लिए भी आपको मिलेगा 15 सेकंड का टाइम। ये भी आपका ऑड वन आउट का क्वेश्चन है। चलिए यहां पे समाप्त हो गया आपका 15 सेकंड। देखिए क्यूब अगर आपको याद होगा तो तुरंत आपका जवाब आ गया होगा कि जैसे 24 है, 60 है, 124 है और 210 है। हम देख रहे हैं कि 3 का क्यूब जो है वो होता है 27, 4 का क्यूब कितना होता है, 64, 5 का क्यूब कितना होता है, 125, 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है। यहाँ कितना है, 210। तो 216 में से 6 को लेस करेंगे, 6 का क्यूब है ना, तो 6 का क्यूब 216 होता है, और उसी 6 से जब हम लेस करेंगे तो 210 आता है। 4 का क्यूब होता है 64, और 64 में से जब हम इसी 4 को घटाएंगे तो 60 आता है, ये भी ठीक है। 3 का क्यूब होता है 27, और इसमें से जब हम 3 को घटाएंगे तो 24 होता है। तो 5 का क्यूब जब 125 है तो हम 5 को ही घटाएंगे तो 120 आना चाहिए, लेकिन यहाँ कितना है, 124 है। तो ऑब्वियसली बात है कि ये तो अलग हो जाएगा इन तीनों से, तो यही तो आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6। ये भी 15 सेकंड के लिए है। चलिए तो 15 सेकंड यहां पर हो गया है। अब यहां पे देखिए क्या होगा राइट आंसर। हम देख रहे हैं कि 15 में 2 ऐड किए तो 17 हुआ, 17 में 3 ऐड किए तो 20 हो गया, और 20 में 4 ऐड किए तो 24 हो गया। प्लेस वैल्यू मुझे याद है, इसीलिए बनाना मेरे लिए आसान हो जाता है, समझ गए। अब आप देखिए 5 होता है इसका प्लेस वैल्यू, ये होता है 7, ये होता है 10, ये होता है 14। तो यहाँ भी देख रहे हैं 2 ऐड हुआ, 3 ऐड हुआ, 4 ऐड हुआ, ये भी सेम लॉजिक पे है। ये होता है 24, ये होता है 26, ये होता है 3, ये होता है 7। यहाँ भी देख रहे हैं 2 ऐड हुआ, 3 ऐड हुआ, 4 ऐड हुआ, ये भी सेम है। लेकिन यहाँ देखिए इसका प्लेस वैल्यू होता है 9, 13, 14 और 17, यानी कि अब हमको 2 ऐड होना चाहिए, 9 2 11 होना चाहिए, यहाँ पर 11 3 14, 14 4 18 होना चाहिए। ये तो कोई मतलब उस लॉजिक पे ये नहीं बैठ रहा है, तो ये हो गया अलग। तो राइट आंसर क्या होगा 6 का, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7, ये भी आपको मिलेगा 15 सेकंड्स के लिए। चलिए 15 सेकंड हो गया है, अब इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, आपको डिक्शनरी के हिसाब से इसको सजाना है।
तो हम देख रहे हैं कि आर आर सब में आर है, इनफैक्ट आर ई एस आर ई एस आर ई एस यहाँ क्या है ए है, तो पहले तो थ्री ही आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर देखेंगे तो पी है तो फोर आ जाएगा, तो थ्री के बाद क्या आया फोर आया। उसके बाद देखिए यहाँ पर ई है, ठीक है, तो आएगा आपका फाइव। ओके, तो यानी थ्री फोर फाइव किस में है, थ्री फोर फाइव यहाँ नहीं है, थ्री फोर फाइव यहाँ नहीं है, थ्री फोर फाइव यहाँ नहीं है, यहाँ पे है। यानी कि पहले थ्री आएगा, फिर फोर आएगा, फिर फाइव आएगा, फिर टू आएगा, फिर वन आएगा। समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर वन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट, 10 सेकेंड के लिए। चलिए 10 सेकेंड आपका हो चुका है। अब यहाँ देखिए सिंपल सी बात थी, ए का प्लेस वैल्यू 1, ई का प्लेस वैल्यू 5, आई का प्लेस वैल्यू 9, एम का प्लेस वैल्यू 13, यहाँ क्या आएगा। हम देख रहे हैं यहाँ पर कितना ऐड हुआ है आपका 4 ऐड हुआ है, यहाँ कितना ऐड हुआ है 4 ऐड हुआ है, यहाँ कितना ऐड हुआ है 4 ऐड हुआ है, यहाँ कितना होगा 4 ऐड होगा, यानी 17। तो 17 का मतलब क्या हो गया, Q हो गया, Q का प्लेस वैल्यू ही 17 है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। अब इसके लिए आपको मिलेगा 20 सेकेंड। चलिए 20 सेकेंड आपका हो चुका है। राइट आंसर क्या होगा देखते हैं, यहाँ कितना है 1, 1 में कितना ऐड हुआ है 2 ऐड हुआ है, इसमें कितना ऐड हुआ 3 ऐड हुआ, इसमें कितना ऐड हुआ 5 ऐड हुआ, इसमें कितना ऐड हुआ 7 ऐड हुआ, अब कितना ऐड होगा, क्या 9 ऐड होगा या 11 ऐड होगा, क्या ऐड होगा बताओ। तो देख रहे हैं आप कि 2 के बाद प्राइम नंबर आता है 3, 3 के बाद प्राइम नंबर आता है 5, 5 के बाद आता है प्राइम नंबर 7, और 7 के बाद जो प्राइम नंबर आता है वो आता है 11। तो स्टूडेंट क्या है कि कंफ्यूज भी हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों ने 9 भी ऐड करके 27 दे दिया होगा आंसर, क्योंकि यहाँ ऑप्शन में भी दिया हुआ है, तो ये गलती नहीं करना है। जब भी इस पैटर्न पे फॉलो करें 2, 3, 5, 7 और इसके बाद जो है आप समझ जाएंगे कि नेक्स्ट प्राइम नंबर 11 है, तो 18 में जब 11 को ऐड करेंगे तो आंसर 29 आपका आना चाहिए, ठीक है। तो 29 होगा आंसर, 3 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इसके लिए मिलेगा आपको 30 सेकेंड। तो हो गया है 30 सेकेंड। चलिए राइट आंसर क्या होगा अभी देखते हैं हम लोग। तो जिसका भी आंसर आया होगा ऑप्शन नंबर 1 वो है करेक्ट आंसर। कैसे होगा अभी देखते हैं। यहाँ क्या कह रहा है कि ए एंड बी आर सिस्टर, तो ए और बी क्या है सिस्टर है, तो हम देखिए ऐसे लिखेंगे ए और बी जो है ये है सिस्टर। ए इज़ मदर ऑफ डी, मदर के लिए माँ के लिए जो है साइन माइनस का लगा दिए, ए माँ है किसकी डी की, तो यहाँ डी हो जाएगा। बी हैज अ डॉटर सी हु इज मैरिड टू एफ, तो अब क्या कह रहा है कि बी की डॉटर कौन है सी, तो बी की डॉटर कौन है सी, और सी के बारे में क्या कह रहा है हु इज मैरिड टू एफ, तो सी जो है एफ से मैरिड किया है, ठीक है। और ये माइनस है क्योंकि डॉटर है, तो ये इसका हस्बैंड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जी इज़ द हस्बैंड ऑफ ए, जी जो है हस्बैंड है ए का। हाउ इज सी रिलेटेड टू डी, तो सी जो है किस तरीके से रिलेटेड होगा डी का, ये आपको बताना है। तो आप देख रहे हैं कि क्योंकि ये दोनों तो बहन है, और इसका बेटा या बेटी है या इसकी बीबी की बेटी, तो यहाँ पर सी कह रहा है,
ठीक है, तो डी क्या आने वाला है, ऑब्वियस सी बात है कि कज़न हो जाएगा, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर होगा करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, और इसके लिए मिलेगा भी आपको 30 सेकेंड्स। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और आंसर देना है। चलिए हो गया, आंसर आया। देखिए अब इसका आंसर क्या होगा, अभी हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि अमॉन्ग फोर बुक्स बुक वन इज ट्वाइस एज हेवी एज बुक टू। तो देखिए बुक वन जो है इसके बारे में क्या कह रहा है, देखिए बुक वन के बारे में कह रहा है कि बुक वन इज ट्वाइस एज हेवी एज बुक टू, यानी कि बुक टू से ये दुगुना हेवी है, यानी कि ये अगर x है तो ये इसका 2x हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है ना कि बुक वन जो है इज ट्वाइस ट्वाइस है हेवी बुक टू से। बुक थ्री के बारे में क्या कह रहा है कि बुक थ्री वेट इज हाफ ऑफ बुक टू। बुक थ्री के बारे में कह रहा है कि वो जो है हाफ है बुक टू के वेट से। अब इसका x है तो इसका x बाई टू हो जाएगा, है या नहीं। बुक फोर के बारे में क्या कह रहा है, बुक फोर के बारे में क्या कह रहा है कि बुक फोर इज 120 ग्राम मोर एज कंपेयर टू बुक टू। बुक फोर के बारे में क्या कह रहा है कि ये जो है बुक टू से 120 ग्राम ज़्यादा है, यानी कि ये एक्स प्लस 120 हो जाएगा। ओके, बट 120 ग्राम लेस एज कंपेयर टू बुक वन, लेकिन 120 ग्राम ये कम है किससे, बुक वन से। अब कह रहा है कि विच बुक इज लाइटेस्ट, तो सबसे हल्का बुक कौन सा यहाँ पर आपका होने वाला है। तो देखिए ऑब्वियस सी बात है कि ये एक्स है, ये 2x है, यहाँ पर एक्स प्लस 120 है और ये एक्स का हाफ है। हमको तो सिर्फ यही पूछ रहा है कि इसमें सबसे हल्का कौन है, तो हम तो यहाँ से देख के बता ही सकते हैं कि जो बुक थ्री है यही तो सबसे लाइटेस्ट होगा, सबसे भारी हो जाएगा क्योंकि ये 2x में है, तो इसीलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा वेट तो वन का ही होगा, उसके बाद फोर का होगा, ठीक है, उसके बाद आपका बुक टू का होगा, और इससे भी जो है हल्का जो है बुक थ्री यहाँ पर हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, बहुत सिंपल है 15 सेकंड के लिए। चलिए टाइम हो गया यहां पर खत्म। अब देखिए यहां पे क्या कह रहा है कि इसमें से कौन सा वर्ड है जो कि इम्प्रूवमेंट से नहीं बनेगा, कैन नॉट दिया हुआ है। तो R O P E रोप, तो R यहाँ है, P यहाँ है, O यहाँ है, E यहाँ है, तो ये तो बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट है ट्रिम, T यहाँ है, R यहाँ है, I यहाँ है, M है, ट्रिम भी हो जाएगा। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट, तो IMPOR T। अब देखिए A नहीं है यहाँ पर, नहीं है ना, यहाँ पे A दिया हुआ है, तो यानी कि ये नहीं बन सकता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13, इसके लिए मिलेगा आपको 30 सेकेंड। चलिए 30 सेकेंड्स बहुत ज़्यादा हो गया, बनाने वाले इसको 10 से 15 सेकेंड में बना दिए होंगे। कैसे, क्योंकि देखिए यहाँ था कि ये जो ऑनेस्टी लिखा हुआ है इसका कोड ये दिया हुआ है, H का कोड 5 हो जाएगा, O का कोड 1 हो जाएगा, N का कोड 3, E का कोड 4, इस तरीके से दिया हुआ है। पोवर्टी में भी यही है, P का कोड 7, O का कोड 1। तो आप देखिए आपको निकालना है क्या है, हॉर्स।
तो एच दिया हुआ है, तो एच का कोड क्या है, 5 है, तो 5 हो जाएगा। ओ है, ओ का कोड क्या है, 1 है, तो 5 1 हो जाएगा। आर का कोड क्या दिया हुआ है, 0 है, तो 5 1 0, तो 5 1 0 यहाँ है, 5 1 0 यहाँ है, यानी ये एलिमिनेट ये एलिमिनेट। एस का कोड क्या है, एस यहाँ दिख रहा है आपको, एस का कोड 4 है, तो 4 हो जाएगा। ई का कोड क्या हो जाएगा, ई यहाँ है, तो ई का कोड हो जाएगा 2, तो 5 1 0 4 2 ये हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, 15 30 सेकेंड्स के लिए। चलिए 30 सेकेंड्स यहाँ पे हो गया है, राइट आंसर क्या होगा चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि के डिनोट्स मल्टीप्लाइड, यानी जहाँ पे के है वहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन डाल दीजिए। एम डिनोट सब्ट्रैक्शन, तो एम का मतलब हो गया सब्सट्रैक्शन। जे डिनोट्स एडेड, जे का मतलब ऐड हो गया। एल का मतलब डिवाइड, तो एल का मतलब डिवाइड, यानी कि कैसे हुआ, 44 -24 इंटू 56 डिवाइडेड बाई 14 + 60। अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से 4 हो जाएगा, ठीक है, और 24 4 कितना होता है, 96, तो 44 -96 + 60। अब आप देखिए यहाँ से यहाँ कितना होता है, ये होता है 104 -96, यानी कि 8 जो है यहाँ पर सॉल्व होके आएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट पे चले हम लोग, यस क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आपको मिलेगा 20 सेकेंड, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए 20 सेकेंड्स यहाँ पे हो गया है। अब देखिए इसमें क्या करना था, इसमें था कि 27 यहाँ पे ब्रैकेट में 15 है, यहाँ 33 है, 41 है, ये ब्रैकेट में 13 है, यहाँ 53 है, तो आपको 26 यहाँ ए का वैल्यू बताना है और यहाँ 35 दिया हुआ है। थोड़ा सा बस दिमाग लगाना था, आंसर आ जाता आपका। और वो थोड़ा सा दिमाग क्या लगाना था, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 15 है, तो ये 15 कैसे आया, तो देखिए 2 + 7, 27 यहाँ लिखा है ना, तो 2 + 7 + ये 33, 3 + 3, 7 3 10, 10 और 5 कितना होता है, 15। तो देखें आप कि इसको ऐड करके हमको लिखना था, फिर यहाँ क्या है, 41 है, 53 है, यानी कि 4 + 1 और +5 + 3, यानी कि 4 1 5, 5 10 और 3 13, 13 यहाँ है, वेरी गुड। अब यहाँ देखिए 26 है, यानी कि 2 + 6 + 3 + 5, तो 6 2 8 और 5 3 8, 8 8 कितना होता है, 16। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। कोई दिक्कत नहीं, आगे चले। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आ चुका है, इसके लिए मिलेगा आपको 30 सेकेंड्स। चलिए यहाँ पे टाइम हो चुका है ख़त्म, 30 सेकेंड यहाँ पे हो चुका है। देखिए बहुत सिंपल अप्रोच था इसका, इसमें करना क्या था, पता नहीं कितना स्टूडेंट्स का सॉल्व हुआ। देखिए 3 है, 2 है, 5 है, 4 है, 1 है, 7 है, इन सब को ऐड कर दीजिए, 3 2 5, 5 4 9, ठीक है, 3 2 5, 5 4 9, 7 1 8, तो 8 9 17, 17 5 22, इन सब को ऐड करेंगे तो 22 आता है, 2 1 3, 7 6 13,
4 2 6, यानी कि 6 3 9 और 9 और 13 22, इन सबको भी ऐड किए 22 हुआ। अब देखिए 2 1 3 है, 11 3 14 है, और यहाँ पे 1 और प्लस एक्स, 14 3 17 1 18, यानी कि यहाँ एक्स का मतलब 4 होगा तभी तो 22 आएगा, तो इसीलिए 4 जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा, इसकी जगह पे क्या आएगा 4 आएगा। तो यही जो है करना था इसमें। वेरी गुड, नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 17। यस, अब आ चुका है ट्रायंगल का, इसके लिए मिलेगा आपको 20 सेकेंड्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व करेंगे क्योंकि ट्रिकी वाला क्वेश्चन है ये। चलिए 20 सेकंड आपका हो गया है और 5 सेकंड के अंदर में कोई बच्चा जवाब दे दिया होगा, जैसे उसको मालूम होगा कि इस ट्रायंगल का मतलब क्या होता है। अगर फिगर ऐसे दिया हुआ हो तो इसका मतलब होता है 3 ट्रायंगल, और अगर ये एक स्क्वायर है और इसके अंदर में इस तरीके से क्रॉस का साइन हो, ये वाला साइन ऐसे दिया हुआ हो, तो इसका मतलब होता है 16 ट्रायंगल्स। जिसको पता होगा वो तो तुरंत कर लिया होगा। ओके, तो अब आप देखिए, ये है 3 ट्रायंगल, ये है 3 ट्रायंगल, ये है 3 ट्रायंगल, ये है 3 ट्रायंगल, और क्योंकि अंदर में भी ये ट्रायंगल दिया हुआ स्क्वायर है और उसके अंदर में यही वाला फिगर है क्रॉस का साइन, और ये ऐसे का साइन और ये ऐसे का साइन, मतलब कि 16 तो यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो 1 2 3 4, 4 3 12, 12 और प्लस 16 कितना होता है 28 ट्रायंगल्स। तो इन सबको ऐड करने पे 28 ट्रायंगल्स आएगा। फिर देखिए यहाँ पे से भी एक ट्रायंगल ऐसे आपका बनता हुआ दिख रहा है और एक यहाँ से बनेगा, तो 2 यहाँ से हो गया। फिर उसी तरीके से ये वाला ट्रायंगल, फिर आपका ये ट्रायंगल, 2 यहाँ से बन गया, 2 एडिशनल यहाँ से भी बन जाएंगे आपके, ओके, और 2 आपके यहाँ से भी बन जाएंगे ये वाले। तो देखिए 28 तो ऑलरेडी हो चुका था और 8 यहाँ से हो गया, यानी कि 28 प्लस 8 कितना होता है 36 ट्रायंगल। राइट आंसर क्या होगा, ये होगा। तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ हो, ऐसे फिगर दिया हुआ हो, तो बस सीधे कैलकुलेट करना था कि 3 यहाँ से बना क्योंकि 4 है तो 12, और ये आपका 16 तो 28, और बाकी आपको बस अब अंदर वाला में देख लेना था, ठीक है, 36 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18, जिसके लिए आपको 20 सेकेंड का टाइम मिलेगा। चलिए टाइम हो गया ख़त्म। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कि ऑल फिलोसफर्स आर क्या है, मेन है, एंड ऑल सोक्रेट्स आर फिलोस, सोक्रेट्स वॉज अ फिलोसफर, ओके। तो अब देखिए ये जो है सोक्रेट जो है ये आपका फिलोसफर है। अब देखिए सोक्रेट्स मैन है तो ऑब्वियसली बातें है, वोमेन्स कैन नॉट बी फिलोसफर। अब क्योंकि वोमेन के बारे में तो पता नहीं हमको, तो हम अपने से दिमाग लगाएंगे नहीं, आंसर क्या आएगा कि केवल 1 ही फॉलो कर रहा है, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। चलिए 20 सेकेंड्स हो गया है यहाँ पर। अब आप देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हाउ मेनी कार्डबोर्ड बॉक्सेस आर नॉट वाइट। कार्डबोर्ड यहाँ है, बॉक्स यहाँ है, वाइट यहाँ है, तो कितने ऐसे कार्डबोर्ड हैं बॉक्सेस जो कि वाइट नहीं है। तो आप देखिए वाइट का ये वाला रेक्टेंगल है, तो अब जो रेक्टेंगल के अंदर में कोई सा भी नंबर होगा वो वैलिड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ कह रहा है कि कितने ऐसे कार्डबोर्ड बॉक्सेस हैं। तो अब जो रिमेनिंग बचा हुआ है वही तो कार्डबोर्ड और बॉक्सेस होगा, तो हम इसके अंदर में जो भी नंबर है उसको कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ लिख चुका है कि नॉट वाइट। अब देखिए 12 है यहाँ पर, तो टू आइए बॉक्स का, देखिए बॉक्स का ये हो गया सर्किल में बॉक्स,
सॉरी, ये जो बॉक्स का जो फिगर है ये सर्किल के अंदर है, तो सर्किल के अंदर में और ट्रायंगल के अंदर में कौन सा नंबर आ रहा है? सिर्फ ये 6 आ रहा है या नहीं? ध्यान से देखो, यहाँ पर ये 6 आ रहा है, तो यही तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्योंकि यही 6 है जो कि वाइट नहीं है, ये जो 6 है ये इस ट्रायंगल के अंदर में नहीं आ रहा है, बाहर में आ रहा है, और वो कार्डबोर्ड भी है। ओके, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, मिरर इमेज का क्वेश्चन रीजनिंग के लिए, 15 सेकेंड आपको मिलेगा। चलिए 20 सेकेंड आपको मिल गया, अब इसका आंसर बताइए। सबसे पहले ध्यान देना है कि ये आपका जो सीट है, ये जो आप सीट देख रहे हैं, तो इस सीट को पहले यहाँ से हाफ कट किया है, ठीक है? तो अब ये फिगर सिर्फ आपका बन गया ये हाफ, क्योंकि इसको उठाकर इधर फोल्ड किया है। जब ये हाफ बना ये ऐसे, उसको फिर यहाँ से ये देखिए, ये वाला पोर्शन को फोल्ड करके इधर डाल दिया है, और उसके बाद क्या किया है कि यहाँ से इसको 2 होल कर दिया है, ठीक है? अब जब ये होल, अब इसको हम खोलेंगे तो ये तो फिगर आपका ऐसे बनेगा, क्योंकि इसी को फोल्ड किया। अब यहाँ पे होल है तो ये भी 2 ऐसे बनेगा। अब ये वाला 2, क्योंकि यहाँ से जो उठा हमारा, तो ये जब उठेगा तो ये इस तरीके से होल बनेगा, यानी कि इधर में 4 है और ये 4 है आपका, यही तो आंसर होगा। बाकी इन जो आप देख रहे हैं ऑप्शन, वो आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर D होगा। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि ये जब फोल्ड खुलेगा तो ये यहाँ पे 2 बनेगा, और जब ये इसको वापस हम खोलेंगे तो फिर 1, 2, 3, 4 ये वाला फिगर यहाँ बनेगा। ठीक है, चलिए, तो रीजनिंग के 20 सवाल ऐसे थे जो कि 12th अप्रैल को पूछा गया था। तो जिन लोगों का एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ था, उन लोगों के लिए तो इसी पैटर्न पे प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, है आपका GK का क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। ठीक है, राइट आंसर आप क्या होगा जल्दी से बताइए, आपको इसके लिए मिलेगा 15 सेकेंड। इम्पॉर्टेंट डेज याद करना है सभी को। चलिए, टाइम हो चुका है यहाँ पर समाप्त। तो यहाँ अगर आप देखेंगे, राइट आंसर होगा 24th मार्च। ठीक है, 24 मार्च को ही वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे ऑब्जर्व होता है हर साल, और इस बार का जो थीम था 2020 का, वो क्या था आपका? द क्लॉक इज टिकिंग, वो था आपका थीम, समझ गए? तो वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे कब सेलिब्रेट होता है? 24 मार्च याद रहेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बुक पाथवे टू गॉड इज रिटन बाई, ये किसके द्वारा लिखा गया है? 15 सेकेंड्स का टाइम है आपके पास। पाथवे टू गॉड ये किसकी बुक है? चलिए, राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, पाथवे टू गॉड जो है ये किसकी बुक है? तो महात्मा गांधी की इम्पॉर्टेंट बुक है पाथवे टू गॉड, याद रहेगा आप लोग को। और देखिए, महात्मा गांधी की कुछ और भी इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं, जैसे कि आपका एक बुक है आपका इंडिया ऑफ माई ड्रीम जो है ये भी गांधी जी की एक इम्पॉर्टेंट बुक है, इंडिया ऑफ माई ड्रीम। उसके बाद इनकी एक और इम्पॉर्टेंट बुक है कि सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका। ठीक है, सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका जो है ये भी एक इनकी इम्पॉर्टेंट बुक है, नोट करते चलेंगे आप। नेक्स्ट इनकी एक बुक है की टू हेल्थ जो है ये भी महात्मा गांधी की एक इम्पॉर्टेंट बुक है। नेक्स्ट इनकी एक इम्पॉर्टेंट बुक है द वीट एंड विजडम ऑफ, ये भी महात्मा गांधी की एक इम्पॉर्टेंट बुक है।
हिंद स्वराज और इंडियन, ये भी गांधी जी की एक इम्पॉर्टेंट बुक है, तो याद रहेगा आपको। पाथवे टू गॉड किसकी है, तो महात्मा गांधी है, और बाकी जो मैंने अभी नोट डाउन करवाया आपको, ये सब भी महात्मा गांधी की इम्पॉर्टेंट बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिनलैंड, फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है। चलिए राइट आंसर क्या होगा यहां पर, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिनलैंड, राइट आंसर क्या होगा यहां पर, सना मरीन जो है यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सना मिर्ला मरीन जो है ये है फिनलैंड की प्रधानमंत्री। तो आपको ये बताना है कि फिर प्रेसिडेंट का नाम क्या है, ठीक है। तो याद रखेंगे आप कि फिनलैंड के प्रेसिडेंट का नाम है, फिनलैंड के प्रेसिडेंट का नाम क्या है, सॉली, सॉली जो है सॉली निन्नी, ठीक है, निनिस्टो, सॉली निनिस्टो जो है वहां के प्रेसिडेंट का नाम है। और फिनलैंड का करेंसी क्या है, फिनलैंड का करेंसी यूरो है, और कैपिटल क्या है, कैपिटल का नाम हेलसिंकी है, ठीक है, हेलसिंकी जो है वहां का कैपिटल है फिनलैंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ पाला डायनेस्टी, पाला डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर का नाम बताइए। फाउंडर और लास्ट वाला ये तो एकदम याद ही कर लेना है, मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि एसएससी का ये सब फेवरेट टॉपिक है, ठीक है, डायनेस्टी वाला पूरा पढ़ के जाना है आपको। तो चलिए 15 सेकंड यहाँ पर हो चुका है आपका। हु वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ पाला डायनेस्टी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, गोपाला, गोपाला जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। और कुछ इम्पॉर्टेंट आपका देखिए फाउंडर लोगों का नाम, अब जैसे कि मौर्या के फाउंडर कौन है, मौर्या डायनेस्टी का नाम तो आपने सुना होगा, तो मौर्या डायनेस्टी के फाउंडर का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, आप लोग भी जवाब देते रहिए क्या होगा राइट आंसर। तो अब जैसे पाला डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर कौन है, तो वो तो गोपाला हो गए, मौर्य के बताइए कि मौर्य के कौन है फाउंडर, तो चंद्रगुप्त मौर्य हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हरियंक डायनेस्टी, तो हरियंक डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, हरियंक डायनेस्टी के फाउंडर का नाम क्या है, बिंबिसार जो है ये हैं हरियंक डायनेस्टी के फाउंडर। गुप्ता डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर कौन है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्रीगुप्त, श्रीगुप्त जो है ये गुप्त डायनेस्टी के फाउंडर हैं। चालुक्य डायनेस्टी के कौन है फाउंडर, तो पुलकेशिन वस्त, ठीक है, पुलकेशिन फर्स्ट जो है ये है चालुक्य डायनेस्टी के फाउंडर। स्लेव डायनेस्टी यानी कि गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये है स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर। खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, तो खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, तो उनका नाम है जलाल उद्दीन जो है उनका नाम है। मुगल का कौन है फाउंडर, तो मुगल के फाउंडर कौन है, तो बाबर है, याद रहेगा बाबर। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट है आपका जोजीला पास कनेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग टू पेयर्स, तो जोजीला दर्रा जो है निम्नलिखित में से किन दो भागों को जोड़ता है, राइट आंसर क्या होगा यहां पर। सबसे पहले तो देखिए ये जो जितने भी पास आप दर्रा का नाम सुनते हैं, दर्रा का मतलब क्या हो गया, आप लोग बहुत सारे वीडियो भी देखते होंगे कि एक पतला सा रोड होता है, दो पहाड़ों के बीच से जो निकला हुआ रास्ता होता है जो कि बहुत पतला होता है, उसी को हम कहते हैं दर्रा, ठीक है, पासेस कहते हैं, जो कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट को या एक कंट्री को दूसरे कंट्री से कनेक्ट करता है, ठीक है। तो ये जैसे कि जो जिला पास है, तो ये जो है किसको किसको कनेक्ट करता है, किन दो भागों को जोड़ता है, राइट आंसर क्या होगा, तो श्रीनगर और लेह को, श्रीनगर और लेह को जो दर्रा कनेक्ट करता है उसका नाम है जोजीला पास। और कुछ इम्पॉर्टेंट और भी दर्रा हैं जैसे कि नाथुला, ठीक है, नाथुला पास, ये जो नाथुला पास है ये कहाँ है, तो ये सिक्किम में है, ठीक है, ये नाथुला पास कहाँ है, तो सिक्किम में है, और सिक्किम में है, और ये इंडिया को और चाइना को जोड़ता है, ठीक है, चाइना को और इंडिया को जोड़ता है। तो वही बात है कि दो पहाड़ों के बीच से जो रास्ता निकलता है, जो पतला सा रास्ता होता है जिससे जो है कनेक्ट होता है, मतलब यातायात को, ट्रांसपोर्टेशन में बहुत हेल्पफुल होता है ये,
तो ये इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं। जैसे यहाँ पूछ ही दिया जोजिला पास श्रीनगर ले, तो नाथुला पास जो कि सिक्किम में है, इंडिया और चाइना को कनेक्ट करता है। तो चलिए आप बताइए कि ये जो सिपकीला पास है, ठीक है, ये पास जो है, ये दर्रा, सिपकीला दर्रा, ये कहाँ है और किसको कनेक्ट करता है? ठीक है, तो सिपकीला पास जो है ये हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है तिब्बत के साथ। ठीक है, नेक्स्ट आप बताइए कि चंगला पास, ठीक है, ये जो चंगला पास है, अब ये पास किसको कनेक्ट करता है? जवाब क्या होगा? तो देखिए, ये लद्दाख को तिब्बत के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है, तब तिब्बत के साथ कनेक्ट करता है चंगला पास। तो याद रहेगा आपको, जो जिला पास श्रीनगर ले हो गया, नाथुला पास सिक्किम में है, इंडिया और चाइना को कनेक्ट करता है, सिपकीला पास हिमाचल प्रदेश को तिब्बत के साथ, और चंगला पास जो है वो लद्दाख को तिब्बत के साथ कनेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु इज द डेप्यूटी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? चलिए राइट आंसर क्या होगा, भारत का उप चुनाव आयुक्त कौन है? चलिए राइट आंसर क्या होगा यहां पर, उमेश सिन्हा होगा। ठीक है, उमेश सिन्हा। और ये जो उमेश सिन्हा है, इनका कार्यकाल 30 जून 2021 तक के लिए है। ठीक है, तो चलिए बात जब हो ही रहा है तो आप बताइए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ये कौन है? ये हैं सुशील चंद्रा। सुशील चंद्रा जो हैं ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। और अगर हम बात करें इलेक्शन कमिश्नर का, तो वो कौन है? वो हैं राजीव कुमार। ठीक है, राजीव कुमार जो हैं ये हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सॉरी इलेक्शन कमिश्नर जो हैं ये हैं राजीव कुमार, और जब उनके आगे चीफ लग जाए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो कौन है? तो सुशील चंद्रा का नाम आपको बोलना है, और जब डेप्यूटी लग जाए तो वो हैं उमेश सिन्हा। और ये किस आर्टिकल के अंडर में आता है इलेक्शन कमीशन? तो ये आर्टिकल 324 के अंतर्गत आता है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल 324 किससे रिलेटेड है, तो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने, भारत का रैंक बताना है आपको ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 का। चलिए रैंकिंग एंड इंडेक्स एकदम अच्छे से याद कर लेना है आप लोगों को। तो इंडिया का रैंक बताना है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, तो वो होगा 94th। ओके, भारत का जो रैंक है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2020 में जो ये हुआ था इंडेक्स, उसमें भारत का रैंक कितना है? 94th है। तो चलिए आप बताइए कि वर्ल्ड वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स, वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक कितना है? वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक कितना है? मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, 140, 142। क्या होगा? 142 है राइट आंसर। भारत का वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स में कितना रैंक है? 142। एक और क्वेश्चन है आपके सामने कि हिनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021, हिनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में जो है भारत का रैंक आपको बताना है। चलिए ऑप्शन दिए हैं आपको, 82, 84 और 86। क्या होगा? 84 यहां पर होगा राइट आंसर। एक और क्वेश्चन आप बताइए, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021, इकोनॉमिक फ्रीडम, ओके, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है ये बताना है आपको 2021 का। इसमें भी ऑप्शन दिए आपको, 120, 121 और 122। राइट आंसर क्या होगा? 121। तो यहां से देखिए तीन चार इंडेक्स हो गया आपका। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक 94 था, वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक 142 है, हिनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक 84 है, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक कितना है? 121 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द इंडियाज हाइएस्ट लिटरेरी अवार्ड 55th जनपीत अवार्ड?
सबसे पहले तो आप इसी का जवाब दीजिए कि जनपित अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है। जनपित अवार्ड जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, लिटरेचर। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है जनपित अवार्ड। तो बताना है आपको कि किसको मिला है 55th जनपित अवार्ड, किसको दिया गया है। श्री अकीतम को दिया गया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, श्री अकीतम को दिया गया है 55th जनपित अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ऐतिहासिक है कि ओलंपिक में प्रथम महिला स्वर्ण पदक किसने जीता। ओलंपिक में सबसे पहली बार स्वर्ण पदक किसी महिला ने कौन जीता, मतलब किस महिला ने जीता। चलिए राइट आंसर क्या होगा, हेलगा हासे जो है इन्होंने ही स्वर्ण पदक जीता था ओलंपिक में, और ये पहली महिला है। प्रथम महिला स्वर्ण पदक किसने जीता, तो हेलगा हासे ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेणुका लेक भारत के किस राज्य में है। चलिए लेक से संबंधित क्वेश्चन है, तो आपको बताना है कि रेणुका लेक भारत के किस राज्य में सिचुएटेड है। क्या होगा राइट आंसर, यहां पर रेणुका झील भारत के किस राज्य में स्थित है। चलिए टाइम हो चुका है यहां पर फिनिश, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो याद रहेगा आपको कि रेणुका लेक भारत के किस राज्य में है, हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड है। और कुछ इंपॉर्टेंट लेक है उसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि चिल्का लेक। तो चलिए बताइए कि चिल्का लेक कहाँ पे है। तो चिल्का लेक कहाँ है, उड़ीसा में है चिल्का लेक। ओके, चिल्का लेक कहाँ है, उड़ीसा में है। अब आप बताइए पुलिकट लेक ये कहाँ है, ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, पुलिकट लेक कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है। सरदार सरोवर लेक, सरदार सरोवर लेक ये कहाँ है, तो ये आपको गुजरात में है, सरदार सरोवर लेक। वुल्लर लेक कहाँ है, ये है जम्मू एंड कश्मीर में। लोकटक लेक, लोकटक लेक कहाँ है, मणिपुर में है। चलिए एक और क्वेश्चन बताइए, कोलेरू लेक, कोलेरू लेक ये कहाँ है, कोलेरू लेक ये आपका आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो ये जितने भी नाम बताए हैं ये सब इम्पोर्टेंट है, चिल्का लेक उड़ीसा, पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश, सरदार सरोवर लेक गुजरात, वुलर लेक जम्मू एंड कश्मीर, लोकतक लेक मणिपुर, कोलेरू लेक आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हैज डिक्लेयर्ड डैश एज इंडियाज फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू बिकम 100% ऑर्गेनिक। तो कृषि मंत्रालय ने किसको जो है, किस केंद्र शासित प्रदेश को 100% जैविक बनने वाला भारत का प्रथम केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया है, लक्षद्वीप को। ओके, लक्षद्वीप जो है ये 100% ऑर्गेनिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, कि हु सेड द स्लोगन हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ये स्लोगन किसने दिया है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। ये स्लोगन किसने दिया है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है मैंगो का साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। इस बार तो ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारे शिफ्ट में पूछा गया कि मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मालुस डोमेस्टिका जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैंगो का ये साइंटिफिक नेम है। चलिए तो आपको कमेंट करके बताना है कि एप्पल का साइंटिफिक नेम क्या है, एप्पल का साइंटिफिक नेम क्या है, इसको कमेंट करके आपको बताना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 34, कॉर्बेट नेशनल पार्क। चलिए ये बताना है आपको, सबसे पहले तो आप यही बताइए कि कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है,
और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क किस जानवर की सुरक्षा के लिए स्थापित किया गया था? 15 सेकंड का आपके पास समय है, राइट आंसर बताना है आपको। चलिए टाइम हो गया फिनिश। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है, सबसे पहले तो पहले क्वेश्चन का मेरा आंसर है आपका उत्तराखंड। कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है 1936 में जो है ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था, और किस नाम से, तो हेले नेशनल पार्क के नाम से ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था, ताकि जो है बंगाल टाइगर को सुरक्षा प्रदान किया जा सके। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क किस जानवर की सुरक्षा के लिए स्थापित किया गया था, तो बंगाल टाइगर्स के लिए स्थापित किया गया था, और ये कहाँ है, तो ये जो है उत्तराखंड में है, और उत्तराखंड के किस डिस्ट्रिक्ट में, तो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है ये। ओके, और देखिए कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क का आप रिविजन कर सकते हैं, जैसे कि कन्हा नेशनल पार्क। कन्हा नेशनल पार्क कोई बताएगा कि कहाँ है, राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। ठीक है, तो कन्हा नेशनल पार्क कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। काजीरंगा नेशनल पार्क ये कहाँ है, काजीरंगा नेशनल पार्क तो ये आपका असम में है। बंदीपुर नेशनल पार्क ये कहाँ पे है, तो बंदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका में है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि उत्तराखंड का आपको बताना है, उत्तराखंड के लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने सीट हैं, कितने पार्लियामेंट्री सीट हैं लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी का उत्तराखंड का, राइट आंसर क्या होगा यहां पर, 5 हो जाएगा। तो देखिए उत्तराखंड ये हो गया उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड ये हो गया। तो उत्तराखंड के गवर्नर का नाम सबसे पहले तो आप जानिए कि गवर्नर का नाम क्या है, कोई बताएगा गवर्नर का नाम, तो बेबी रानी मौर्य जो है, बेबी रानी मौर्य ये यहाँ के गवर्नर का नाम है। चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है, तीर्थ सिंह रावत जो है वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। राज्यसभा का सीट कितना है, 3 है। लोकसभा का सीट कितना है, तो 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गवर्नर जनरल डिसाइडेड टू मेक इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंडिया। तो किस गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया, ये लिया था किसने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लिया था। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें हम लोग। नामेरी नेशनल पार्क ये कहाँ पे सिचुएटेड है, नामेरी नेशनल पार्क कौन बताएगा 10 सेकंड के अंदर में। नामेरी नेशनल पार्क कहाँ है, राइट आंसर क्या होगा, असम। ओके, असम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलिए, द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स द विंड स्पीड इज कॉल्ड। तो हवा की गति को मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है, राइट आंसर क्या होगा, एनीमोमीटर। ठीक है, एनीमोमीटर से जो है हवा की गति को मापा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चले हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ ऑयल ऑफ विथड्रॉल। तो ऑयल ऑफ विथड्रॉल का कॉमन नेम आपको बताना है, राइट आंसर यहां पर क्या होगा। करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड यहां पर है राइट आंसर। तो ऑयल ऑफ विथड्रॉल का जो है कॉमन नेम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4 होता है। ओके, H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन क्या है, इंसुलिन एक है डैश, तो देखिए इंसुलिन क्या है, ये हार्मोन है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, हार्मोन इज द राइट आंसर। अब जीके के बाद हम लोग चलते हैं इंग्लिश सेक्शन पे। चलिए, तो आपको बताना है एंटोनिम्स रेवरेंस का 15 सेकंड के अंदर में।
राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? देखिए, सबसे पहले तो रेवरेंस का मतलब होता है किसी का आदर करना, तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? अनादर करना, यानी कि इंसल्ट करना। रेवरेंस का जो है मीनिंग होता है डीप रिस्पेक्ट फॉर समवन और समथिंग। जस्ट अपोजिट क्या होगा? इंसल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने? आइसोलेट का सिनोनिम्स बताना है। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा? आइसोलेट का आपका क्या बताना है सिनोनिम्स? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आइसोलेट का? करेक्ट आंसर यहां होगा सेग्रीगेट, जो है यहां पर राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर वन यहां पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, किसी व्यक्ति या वस्तु को अन्य व्यक्तियों या वस्तुओं से अलग करना या रखने को ही हम आइसोलेट करते हैं। जैसे कि मुझे कोविड हुआ, ठीक है, तो मैंने क्या किया? आइसोलेट किया अपने आप को, यानी कि सब लोगों से दूर किया। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर वन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने? एक मिनट, चलिए। तो अब यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 43 है। चलिए, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? टाइम अप हो गया है। यहाँ क्या है? मनीषा सेड आई वर्कड इन अ कंपनी फॉर 5 ईयर्स। अब आपको इसका इनडायरेक्ट बताना है। ये तो डायरेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा? मनीषा सेड है, अब हम इसको जोड़ने के लिए और ये ट्रॉफी को हटाने के लिए डैट लगाएंगे, तो मनीषा सेड डैट। आई है, वर्कड है, ठीक है, इन अ कंपनी फॉर 5 ईयर्स है। तो देख रहे हैं आप, यहाँ भी पास्ट है, इधर भी पास्ट में ही है, ईडी लगा हुआ भीतरी फॉर्म में है, तो हैड का इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसीलिए हैज नहीं होने वाला है यहाँ पर, हैड नहीं है यहाँ पर, और हैड बिन तो होगा ही नहीं, हैड का ही सिर्फ इस्तेमाल होगा। राइट आंसर क्या होगा? मनीषा सेड डैट सी हैड वर्कड इन अ कंपनी फॉर 5 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीव एंड लर्न का ईडियम बताना है। चलिए, लीव एंड लर्न का करेक्ट ईडियम क्या होता है? टू लर्न समथिंग फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस। ठीक है, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जब आप कुछ लर्न करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? लीव एंड लर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेच का एंटोनिम्स बताना है। स्ट्रेच का एंटोनिम्स, अब ये रबर का बैंड होता है, तो इसको खींच के आप स्ट्रेच करते हैं ना, तो इसका जस्ट अपोजिट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट जो है, ठीक है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अब आपको बताना है द एक्शन ऑफ लुकिंग बैक ऑन और रिव्यूइंग पास्ट इवेंट्स और सिचुएशन। इसका वन वर्ड बताना है क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? रेट्रोस्पेक्शन जो है यहां पर राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इमर्ज का सिनोनिम्स। इमर्ज का सिनोनिम्स क्या होता है? राइज होता है। ठीक है, इमर्ज का सिनोनिम्स राइज होता है। नेक्स्ट यहाँ पर एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन आ चुका है, तो जल्दी से इसको बताया जाए। द वॉल्स हैड नॉट बीन डेकोरेटेड बाई अस। राइट आंसर क्या होगा? वी हैड नॉट डेकोरेटेड द वॉल। वी हैड नॉट, ये आपका पैसिव है, उसका एक्टिव यही था और इसका पैसिव बना तो ये हुआ। ठीक है, तो वी हैड नॉट डेकोरेटेड द वॉल, तो इसको आप एलिमिनेट भी कर सकते थे। यहाँ हैड और बीन लगा है, तो कहीं ना कहीं एक्टिव में हैड तो होगा ही होगा, तब तो यहाँ बीन आया ना। यहाँ हैव नॉट बीन तो गलत है, हैड नॉट बीन भी गलत है, हैव होगा नहीं, तो एक ही बचता है 4। नेक्स्ट है 49, द साइंस और आर्ट ऑफ मेकिंग और ड्राइंग मैप्स।
राइट आंसर क्या होगा? कार्टोग्राफी। ठीक है, कार्टोग्राफी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, किसका स्पेलिंग आपको सही दिख रहा है। चलिए तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, ऑस्पीसियस। ओके, ये जो स्पेलिंग है ऑस्पीसियस का, AUSPICIOUS, ये एकदम करेक्ट स्पेलिंग है ऑस्पीसियस। ओके, जिसका मतलब होता है बहुत फेवरेबल, बहुत इंपॉर्टेंट डे, ऑस्पीसियस डे है, तो ये स्पेलिंग करेक्ट है। तो इस तरीके से जो है आपका आज का टेस्ट होता है समाप्त। टोटल 50 MCQ थे। ओके, और क्वेश्चन का लेवल जो है ये इजी टू मॉडरेट था, क्योंकि इसी लेवल पे आपका क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आया था। तो अब जो है नेक्स्ट बार जो टेस्ट होगा वो 13 अप्रैल के बेसिस पे आपका टेस्ट होने वाला है। तो आज का टेस्ट आपको कैसा लगा? टेस्ट देकर आपको कुछ मज़ा आया? बहुत दिन के बाद जो है अपने चैनल पे टेस्ट हो रहा है, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है और अभी भी ख़राब है, तो बट फिर भी ऐसा है कि एक एक दो दो वीडियो बन सकते हैं। तो जैसे जैसे बनेंगे मैं टेस्ट आपका लेता रहूँगा, तो फुल सपोर्ट चाहिए एकदम अच्छा वाला। तो सेशन को बिना लाइक किए तो जाना ही नहीं है, और चैनल पे नए हैं तो डेफिनेट ऑब्वियसली बात है कि सब्सक्राइब करके ही जाना है। बाकी अब लास्ट में बात करते हैं कट ऑफ की। तो ये जो टेस्ट था इसका कट ऑफ था 40 क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि जिस भी स्टूडेंट का 40 अगर सही हुआ है वो इस टेस्ट का कट ऑफ क्लियर कर चुके हैं। 40 से नीचे वाले कट ऑफ क्लियर नहीं किए, उनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ठीक है गाइस, तो आप लोग अपना ध्यान रखेंगे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। बाकी PDF जो है टेलीग्राम पे आपको अपलोड कर दिया जाएगा, टेलीग्राम चैनल का नाम है SSC क्रैकर्स। तो चलिए बाय।